हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू textbook.com। तो सुबह के 10:30 बज चुके हैं, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर है हम करंट अफेयर्स का, जो पूरे के पूरे हमारे इस साल में जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, ना केवल करंट अफेयर्स बल्कि उसके ऊपर आधारित जो भी क्वेश्चन यहाँ पर हमारे क्रिएट हो सकते हैं उन सबके ऊपर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो ये 10:30 बजे से 11:30 बजे तक रोज क्लास चलेगी आपकी, जहां पर हम लोग डेली जो है लियर अबाउट 80, 90 या 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आपके हर एक पॉइंट को ना केवल मजबूत बनाएगा बल्कि जीए में आपको 2 कदम और आगे लेकर के जाएगा। लेकिन इसके लिए आपका सपोर्ट और प्यार बहुत जरूरी है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, पार्टिसिपेट करिएगा, क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। जिनका भी एनटीपीसी टीयर 2 का एग्जाम है, ग्रुप डी का एग्जाम है, या वो एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम देने जा रहे हैं या एमटीएस एग्जाम को यहाँ पर वो करने जा रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज है। और ये पूरे एक साल में जो भी चीजें हुई हैं आपके सामने, आपकी नजरों के सामने आएंगी और आपको वहां पर जवाब देना है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, ऑडियो वीडियो परफेक्ट है? जरा जय हिंद लिख करके मुझे बताएंगे कि सर ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट आ रहा है, क्योंकि इस क्लास के दौरान आपको पार्टिसिपेट करना है, मेरी बातों को सुनना है और जवाब देना है। ये 3 चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है। पार्टिसिपेट का मतलब है कमेंट करके यहाँ पर आपको जवाब बताना है, उसके बाद से आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है जो भी यहाँ पे मैं बातें बताऊंगा कि क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं, और लास्ट में आप लोगों को क्या करना है, पूरा वीडियो में देखना है। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ ही आप इस वीडियो को देखेंगे, आपका स्वागत है टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे, जहां पर इतने लोगों ने अपने एसएससी के सपने को पूरा किया हुआ है, जो कि अगर देखा जाए तो ओवरऑल 50% से ज्यादा जो सिलेक्शन है वो एसएससी में इस प्लेटफॉर्म से हुए हैं। तो आप भी यहां से जुड़ सकते हैं टेक्स्ट बुक की ऐप डाउनलोड करके। यही नहीं दोस्तों, यहां पर आपको हमारी ऐप पर फ्री मास्टर क्लास भी मिलती है। मेरी मास्टर क्लास की टाइम है 2:30 पे, मतलब 2:30 पे आपको यहां पर अपने नॉलेज को चेक कर सकते हो। आप यहां पर जाकर के हमारे टेक्स्ट बुक पास को, जहां पर आप इतने सारे एग्जाम्स के क्विजेज और टेस्ट दे सकते हो, यहां पर अभी तो ये हमारे एक साल का हो चुका है, एक साल का टेक्स्ट बुक पास आपको 399 रुपए का मिलता है। लेकिन अगर आप कूपन कोड लगाते हैं पैक पास, तो यहां पर आपको स्पेशल डिस्काउंट लगता है मिलता है, साथ ही साथ आपकी डिटेल हमारे तक पहुंच जाती है। तो कूपन कोड याद रखिएगा रिन्यू करने के लिए, PACPASS, दैट वाज द कूपन कोड, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्लास का जो टाइम है वो है 10:30 बजे, रोज होगा, एक ही दिन में आप 1000 कुछ चीजें तो याद नहीं कर पाएंगे, तो रोज होगा, थोड़ा थोड़ा सा 10 दिन में आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी लोग तैयार है, जल्दी से 50 के आंकड़े को टच करते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं, जल्दी से सभी बच्चे, और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दो इस वीडियो के लिंक को, इस वीडियो की जो लिंक है जल्दी से शेयर कर देते हैं अपने अपने ग्रुप में। तो सभी लोग एक बार तैयार है, जय हिंद के साथ उद्घोष करते हैं आज की क्लास को, और पहला क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है गोल्डन, हमारा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 का किसको दिया गया, 2021 का अवार्ड का नाम है ग्लोबल गोलकीपर। आपके सामने है जेनिफर कोलापास है, साटा सेरिफ है, फोमिजो हमारा नागाकुका है, नरेंद्र मोदी है, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक, जो कि हमारे बिहार पुलिस के मेंस में आपको देखने मिलेगा। जल्दी से जवाब आना चाहिए, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे यहाँ पर देना शुरू कर दिया जवाब, सर सही जवाब होना चाहिए, सभी के सभी बच्चे प्लीज। न्यू स्टाइल, नहीं यार बाल बढ़ गए है ना, थोड़े से मैंने कटाए भी है। यहाँ जनता बोलिए सर सही जवाब होना चाहिए है ना, फुमजिले नानाकुका इज राइट आंसर। 3 नंबर जितने लोग बोल रहे हैं उनका बिल्कुल सही जगह पर जा रहा है जवाब। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे जो 2020 का अगर पूछा गया, अगर 2020 का भी पूछा जा रहा है तो वो भी देख लेते हैं, 2020 का अवार्ड जो था वो मोदी जी को मिला था है ना, लेकिन 2021 का किसको मिला बेटा, हमने यहाँ पर फोमिजिले नाकागुका के ऊपर टिक कर दिया है, नाम को याद रखना है, आई होप सो आपके दिमाग में जा रहा होगा। इन्होंने क्या किया था, हमारे जेंडर इक्वलिटी के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी थी कोविड-19 के समय में, इसलिए यहाँ पर इनको अवार्ड दिया गया है, तो आप इनके ऊपर टिक करिए। और ये अवार्ड कौन देता है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, पिछले साल मोदी जी को, इस साल भाई साहब को मिल गया है। नाम क्या है भाई साहब, नाम आपको याद रखना है, फोमिजिले नागाकुका। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 2023 का जो महिला T20 वर्ल्ड कप है उसकी मेजबानी कौन देश कर रहा है, भारत, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका, जवाब आपको देना है, मेरा सिर्फ क्वेश्चन है। लेकिन अभी तक मैं सोच रहा था 100 के ऊपर आंकड़ा चला जाएगा, इतनी महत्वपूर्ण क्लास, अगर मैं तुम्हारी जगह तैयारी कर रहा होता तो कभी नहीं छोड़ता इस क्लास को, महत्वपूर्ण क्लासेस चल रही है, सभी लोगों को जवाब देना है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जनता बोली गई सर सही जवाब होना चाहिए, मेरे को भी लग रहा था इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है हमारा, जहां पर 2003 का वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें सचिन तेंदुलकर ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया था और इंडिया हार गई थी वहां पे ऑस्ट्रेलिया से, वो जगह का नाम था साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका के ऊपर टिक करना है।
लेकिन अगर यहाँ पर सिर्फ वर्ल्ड कप आ जाएगा वनडे क्रिकेट का, तो वो हुआ था न्यूजीलैंड में, और न्यूजीलैंड में ये वर्ल्ड कप हो चुका है 2022 में। और ये किसने जीता है तो हर चीज मैं ही नहीं बताऊंगा। न्यूजीलैंड में जो वर्ल्ड कप हुआ था महिला का, वो अभी संपन्न हुआ, उसको जीता किसने है? जनता बोलेगी सर ये वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में जो हुआ था 50 ओवर वाला, उसको जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार ये वर्ल्ड कप मार्च में जीत लिया है। चलिए आगे तब चलते हैं। तो देखिएगा 2030 का आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो हमारे भारत में होगा, मतलब अगर हमारा 50 ओवर का मेन मेल क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करेंगे तो ये इंडिया में होगा। बेटा देख लो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। T20 अगर मेल की बात करेंगे तो ये कहां पर होना है? ऑस्ट्रेलिया में होना है, ठीक है। अगर हम लोग फीमेल की बात करेंगे या वुमेन्स क्रिकेट की बात करेंगे तो हमारे 2022 का वर्ल्ड कप जो हो चुका है न्यूजीलैंड में हुआ है, सभी लोगों ने बताया। और 2023 का T20 वर्ल्ड कप जो है ये कहां पर होगा? ये 50-50 ओवर वाला है और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया में होना है, नहीं हमारे ये साउथ अफ्रीका में होना है। समझ गए कि नहीं भाई साहब? कर लोगे, एग्जाम में आने वाले प्रश्न है, कर लोगे, याद रहेगा भाई कि भूल जाओगे? हैं, बहुत बढ़िया। बच्चे बोले सर याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है हमारे। इस बार हम लोग बात कर लेते हैं ओलंपिक गेम्स की, जरा ओलंपिक गेम्स देखेंगे। 2022 का विंटर ओलंपिक हो चुका है बीजिंग में, सभी को याद है ना। 2024 का समर ओलंपिक पेरिस में होना है, 2026 का हमारा विंटर ओलंपिक मिलान में होना है, हमारा 2028 का लॉस एंजलिस में होना है, 2032 का समर ओलंपिक ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होना है। इसकी भी फोटो अपने नजरों में बना लो क्योंकि एग्जाम में आने वाला है। अगर आपको याद हो गए ये तो एक बार मुझे थम्स अप बना के बताएंगे। ये सारा का सारा ओलंपिक की मैंने बातें यहाँ पर लिखी हुई है, ओलंपिक की बातें लिखी हुई है, जल्दी से थम्स अप बना के बताएंगे अगर ये आपके दिमाग में घुस गया है तो। कॉमनवेल्थ की अगर हम लोग बात करेंगे तो कॉमनवेल्थ हमारा 2000 वाला जो 22 वाला होना है ये कहाँ पर होना है? 2022 वाला जो हमारा कॉमनवेल्थ गेम होना है ये होना है हमारे, बिल्कुल सभी लोग जानते हैं कि ये हमारा ब्रिटेन में होना है, ब्रिटेन में होना है। और 2026 वाला जो हमारा है ये भी इसका भी डेट आ गया, ये क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। कहाँ पर? क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में। तो ये भी हमारे कॉमनवेल्थ गेम भी पूछे जा सकते हैं। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे यहाँ पर अच्छे तरीके से जवाब देते हैं और हमारे एग्जाम में पूछा जाने वाला है। अगला क्वेश्चन है, सुओ मित्रा को हमारे रेलवे ने क्या अपॉइंट किया? रेलवे जिनका एनटीपीसी टीयर 2 का एग्जाम है वो बच्चे यहाँ पर बहुत ध्यान से जवाब देंगे। सुमो मित्रा इज अपॉइंटेड एज ए, ये आपके सामने ऑप्शन लिखे हुए, जवाब दीजिएगा। बेटा ये हमने क्या बोला? हमने शुरू में ही बोला जिनका एनटीपीसी टीयर 2 का एग्जाम है, ग्रुप डी का एग्जाम है, सीएचएसएल का एग्जाम है, एमटीएस का एग्जाम है, वो बच्चे ध्यान से देखेंगे, बाकी के बच्चे आराम कर सकते हैं, उन्हीं के लिए सेशन लाया जा रहा है। लेकिन भैया हम 150 बच्चों की उम्मीद किए थे कि 5 मिनट में हम लोग 150 का आंकड़ा टच करेंगे, सपोर्ट और प्यार मिलेगा तभी मजा आएगा। यहाँ पे जनता बोली है सर सही जवाब होना चाहिए। बेटा ये हमारे रेलवे सेफ्टी, बहुत जरूरी होता है रेलवे सेफ्टी। हमने यहाँ पर एंटी कोलिजन डिब्बे भी बनाना शुरू किया है, टकराव से पहले उसके कमिस्तर बनाए गए, याद कर लो नाम, एग्जाम में पूछा जाने वाला है। सुमय मित्रा इज राइट आंसर है, ठीक है ना बेटा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गंगा एक्सप्रेस वे में 5100 करोड़ रुपए की जो है वो हमारे क्रेडिट कौन दे रहा है? कौन सा बैंक है? स्टेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। गंगा एक्सप्रेसवे जो कि बेटा मेरठ से कहां तक जाएगा? मेरठ से लेकर के ये हमारा प्रयागराज तक जाएगा, यहां पर हमने लिख दिया है। ये एक्सप्रेसवे है जो कि हमारे एनएच नंबर 334 से हमारा NH-19 को कनेक्ट करेगा, और मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक इसको पंजाब नेशनल बैंक जो है वो क्रेडिट कर रहा है 5100 करोड़ रुपए। बेटा टिक करना, बेटा एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बोल रहा हूँ 334 से NH-19 तक करेक्ट करेगा, मेरठ से लेकर के प्रयाग तक इसको स्पॉन्सर कर रहा है पंजाब नेशनल बैंक। एक बार ठोक दो सभी लोग लाइक, याद करते जाओ, आने वाला प्रश्न है सारे के जाओ। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसने दिया हुआ है? राष्ट्रपति ने, वाइस प्रेसिडेंट ने, पीएम ने या स्पीकर ऑफ लोकसभा? जल्दी से। यहाँ पर जनता बोल रही है सर सही जवाब होना चाहिए, जितने बच्चे बोल रहे हैं सर सही जवाब होना चाहिए, प्रेसिडेंट साहब देते हैं। चला देख लेते, हमारे पास जो है 12 खिलाड़ियों को बेटा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है और 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। ना देखो कितने को दिया गया, 12 को दिया गया बेटा, 12 है ना। जितने भी हमारे पैरा ओलंपिक में और ओलंपिक में मेडल लेके बच्चों आए थे उन सभी को ये अवार्ड दिया गया और 35 हमारे अर्जुन पुरस्कार दिया गया। 13 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल में रामनाथ कोविंद जी ने इसको दिया हुआ था, समझ रहे हो कि नहीं? चलो जरा उनके नाम देख लो बेटा। नीरज चोपड़ा सभी लोग जानते हैं, रवि कुमार है, लवीना है, उसके से मनप्रीत सिंह है, सृजस है हमारे, अवनी लेखरा है, सुमित है, प्रमोद है, कृष्णा है, मनीष है, मिताली राज, सुनील छेत्री है, ये सभी हमारे
क्या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है बेटा, ये क्या है बेटा, खेल रत्न है, याद रखिएगा ये हमारे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है ना सभी को? यार बोल ही नहीं रहा तुम लोग, यार मजा नहीं आ रहा हमको। इनके पूछेगा ये कौन से खेल से संबंधित है, पूछेगा भैया श्रीजेश से यार पीआर जो है ये कौन से खेल से संबंधित है, पूछेगा एग्जाम में हमसे, पूछेगा सुमित अंतिल किससे है, क्यों, क्योंकि इन सबको खेल रत्न मिला हुआ है और 35 हमको जो है वो भी याद रखने हैं। ठीक है बाबू, भूदान ग्रोव पट्टिका का अनागरण, भूदान ग्रोव जो हमारे प्रयोग है इसका जेरूसलम फॉरेस्ट में किसने इसका हमारा अनुग्रहण किया है, मतलब इनॉग्रेशन किया हुआ है, इसराइल के जेरूसलम वन में भूदान ग्रोव पट्टिका का अनावरण किसने किया, और जब भी हमारे भारतीय जब भी जाके करते तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत शानदार बेटा है, बहुत शानदार जनता। पीडीएफ बेटा हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, परेशान मत हो, सब देंगे, अभी का रिवीजन करो, इस पूरे क्लास का पीडीएफ भी मिलेगा, टिक करके बैटिंग करना है, समझ रहे हो जी, अंत में टेलीग्राम का लिंक देंगे। जनता बोलिए सर एस जयशंकर के ऊपर टिक करिए, हमारे देश के क्या है बेटा, ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, याद रखिएगा ये राज्यसभा के मेंबर है। चलिए आगे चलते, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कहां से पदक, ओलंपिक में जो हमारे टोक्यो में कहां से पदक जितने उन्होंने जीता हुआ उनको हमारे सम्मानित किसने किया है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अनुराग ठाकुर, हरदीप सिंह पुरी या जयशंकर, किसने सम्मानित किया है, तो जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए। कांस्य पदक विजेता पुरुष हॉकी टीम के 11 खिलाड़ियों को सम्मानित किया है हमारे देश के, हमारे देश के अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर, जिनका नाम है हमारे अर्बन से रिलेटेड जो शहरी हमारे मंत्रालय है उनसे संबंधित मिनिस्टर है, जरा जवाब दो जल्दी से। विकास बोले सर सही जवाब होना चाहिए हरदीप सिंह पुरी जी, हमारे आवासीय कार्यालय के मंत्री हैं जिनको हम लोग हरदीप सिंह पुरी जी बोलते हैं, जवाब उनका सही है। देखिए हमारी हॉकी टीम बेटा, रेलवे वाले बहुत ध्यान सुनेंगे, एसएससी वाले भी, हमारे हॉकी टीम ने लगातार देखिए कितनी बार 1928 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार तो लगातार बेटा गोल्ड मेडल जीता हुआ है। इसके अलावा देखा जाए तो 64 और 80 यहाँ पर 2 बार तो टोटल 8 बार बेटा गोल्ड मेडल मिले हुए हैं, 6 बार लगातार और 2 बार जो है वो हमारा 64 और 80 में। ठीक है तो पूछ सकता है हमने कितनी बार गोल्ड मेडल जीते हैं हॉकी में, 8 बार जीते हैं 28 से लेकर के 56 तक और 64 और 80 में। उसके बाद हमें 1 बार सिल्वर मिला है 1960 में और 3 बार ब्रॉन्ज मिले हुए हैं 68, 72 और टोक्यो ओलंपिक 1920 में। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब तुमसे पूछेगा कि हमें कितनी बार ब्रॉन्ज मिले, कितनी बार गोल्ड मिले और कितनी बार सिल्वर मिले, बेटा याद रहना चाहिए। देखो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्टैटिक और करंट दोनों को मिलकर के करंट लगाते हैं आजकल, तो करंट के झटके से बचना है तो तुमको ये सीखना पड़ेगा, समझ रहे हो ना भाई साहब? बोलो भैया सपना एक बार बोल देंगे सर कितनी बार गोल्ड मिलता है, ये पूरा पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा बाबू, ये पूरा का पूरा पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा और टेलीग्राम लिंक में डाल दिया जाएगा टेलीग्राम के हमारे चैनल पर, समझ रहे हो कि नहीं? चलो ये आपस में बातें तुम लोग बहुत करने लग गए आजकल। हमारे यहाँ पर सिविल एविएशन के सेक्रेटरी के तौर पर आप किनका नाम देखेंगे, नाम बताइए, हमारे यहाँ पे सिविल एविएशन के सेक्रेटरी के रूप में किनका नाम देखेंगे जल्दी से जनता, 2-3 बच्चे शांत बैठे हैं यहाँ पे। जगन क्या करना है आपको ना, ये पूरा पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा ना तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो आराम से बैठकर रिवीजन कर सकते हो। यहाँ जनता बोली है सर राजीव बंसल होना चाहिए, राजीव बंसल इज राइट आंसर, राजीव बंसल, राजीव कुमार हमारे नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है, राजीव कुमार कौन है, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है और राजीव बंसल हमारे सिविल एविएशन के सेक्रेटरी हैं। सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है सभी को पता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य जो है वो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर है जो कि हमारे राज्यसभा मेंबर है मध्य प्रदेश से। यहाँ पे अगर देखेंगे भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कितने पदक जीते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए कितने जानते हैं टोक्यो ओलंपिक में, मैं इसको कार्ड दे रहा हूँ, टोक्यो ओलंपिक में 1, 2, 3 या नन ऑफ दीज, अगर नन ऑफ दीज अगर आप बताओगे, मान लो कि कई लोग 4 नंबर ऑप्शन बोलेंगे, तो आपको ये बताना है कि कितने मेडल जीते हैं। तो यहाँ पे जनता बोली है कि सर टोक्यो ओलंपिक एक बहुत ही हमारा महत्वपूर्ण हमारा ओलंपिक था जो अब खत्म हुआ है, इसका अगला ओलंपिक पेरिस में होना है, सभी को पता है, हम देंगे हिमेश चिंता मत करो, वीडियो को अंत तक देखोगे तो टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, याद दिला देना भाई हम भूल जाते कभी कभी। नीरज चोपड़ा बेटा गोल्ड मेडल जीते हुए हैं सभी को पता है। रवि कुमार दहिया 57 किलोग्राम, ये पूछ सकता है कितने किलोग्राम में जीता है, 57 किलोग्राम में सिल्वर मेडल रेसलिंग है, तो वेट लिफ्टिंग में हमारे मीरा भाई चानू जी सिल्वर मेडल किलोग्राम 49 kg किलो वर्ग के हैं। वुमेन्स सिंगल पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है, उसके बाद से अगर देखेंगे वुमेन्स वाटर लिफ्टिंग बॉक्सिंग में लवलीना ने जीता हुआ है ब्रॉन्ज मेडल, हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल और रेसलिंग में बजरंग पूनिया ने ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 1, 2, 3, 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, 2 सिल्वर और 1 गोल्ड, टोटल कितने हो गए बाबू, 7 बेटा हो गए 7।
समझ रहे बेटा, एग्जाम में आने वाले प्रश्न है जो आपको नंबर दिलाएंगे यहाँ से, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, एक एक चीज यहाँ पे प्रश्न पूछी जा सकती है, ठीक है बाबू, यहाँ पे ध्यान से एक एक चीज को देखना। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहला हमारा इंडिविजुअल मेडल किसने जीता था, हॉकी में 28 से लंबे सबसे पहले हमने मेडल जीता था, लेकिन इंडिविजुअल व्यक्तिगत जो मेडल है वो किसने जीता था, तो हेलेंस्की का जो हमारा ओलंपिक हुआ था 1956 में, वहां पर हमारे केडी जाधव ने रेसलिंग में हमारा सबसे पहला मेडल जीता था इंडिविजुअल, और ये ब्रॉन्ज मेडल था। कौन सा था बेटा? ब्रॉन्ज मेडल। सबसे पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जो है वो बीजिंग ओलंपिक 2008 में जीता हमने, और वो हमारा कौन सा किसने जीता है, सभी को पता है, अभिनव बिंद्रा ने अभिनव बिंद्रा ने यह जीता हुआ है इंडिविजुअल हमारा गोल्ड मेडल, ठीक है। अब यहां पर दो लोगों को हमारे ऐसे हैं जिन्होंने एक से ज्यादा बार मेडल जीता हुआ है, एक तो पीवी सिंधु है सभी को पता है, एक इन्होंने यहाँ पे ब्रॉन्ज जीता हुआ है, और रियो ओलंपिक कब हुआ था, 2016 में भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। इसके अलावा कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने दो मेडल जीता हुआ है, एक नहीं दो मेडल जीता हुआ है, जल्दी से बताइए सर। हमने प्रश्न क्या पूछा है कि पीवी सिंधु ने दो बार जीता हुआ मेडल, एक तो इन्होंने सिल्वर मेडल रियो में जीता था और इस बार ब्रॉन्ज, इसके अलावा कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसने दो मेडल जीते हुए हैं इंडिविजुअल मेडल जीते हुए, नाम बताइए जल्दी से। मैरी कॉम, गलत है बेटा, मैरी कॉम ने नहीं बता भैया, निशा बोल रही है सर नहीं पता है, मैरी कॉम नहीं बेटा, गलत मारेंगे, सचिन तेंदुलकर बोल रहा है कोई। तो भैया यहाँ पे मैं आप लोगों को एक हिंट दे देता हूँ भाई साहब, वो अभी जो है वो जेल में है, जेल में भाई साहब, अब बताओ, अभी देखना सब बताने लग जाएंगे तो बेटा इस तरीके से प्रश्न बनते हैं, जो बहुत ध्यान से करते हैं उनका नंबर यहाँ पर लग जाता है। तो यहाँ पर मैरी कॉम नहीं बेटा, उनका सही जवाब है हाँ 2008 में हमारे सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले हमारे हमारे ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था 2008 में बीजिंग में, और 2012 में सिल्वर मेडल जीता था, उनका नाम है सुशील कुमार, किसी का ध्यान ही नहीं गया और वही नंबर चला जाता है, तो सुशील कुमार इज राइट आंसर, साइना को एक बार मिला हुआ है। चले भैया, तो यहाँ पर ये हमने गलती की हुई है और गलती को सुधारने के लिए तो आपकी क्लास हो रही है। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है भाई साहब, दो ओलंपिक मेडल जीतने वाले दूसरे एथलीट है हमारी पीवी सिंधु सुशील कुमार के बाद, समझे, सुशील कुमार के बाद। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, यहाँ पर आपको मैंने पहले ही बता दिया है कब कहाँ पे ओलंपिक होने वाले हैं, याद रखिएगा भैया, यहाँ पे आप लोग कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंहराज आदान ने टोक्यो के पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता हुआ है, ये कौन से खेल से संबंधित है, भाला फेंक है, चक्का फेंक है, निशानेबाजी है, बैडमिंटन है, ठोको जल्दी से, दो बच्चे यहाँ पे नहीं जवाब दे रहे, सिर्फ जो दो बच्चे जो जवाब नहीं दे रहे ना मैं बोलूंगा वो जवाब दे, नहीं तो भाई मजा नहीं आएगा, जल्दी से 180 का आंकड़ा हम लोग टच करते हैं, 180 प्लस जल्दी से मजा आ रहा है कि नहीं भाई साहब बेटा जितने भी हमारे ओलंपिक में मेडलिस्ट हैं उनके नाम एक बार जरूर याद करके जाइएगा, नहीं तो फिर मत बोलना सर 1956 का पूछ लिया करंट अफेयर्स, वो स्टैटिक है बेटा तो यहाँ पे जनता बोलेगी सर सही जवाब होना चाहिए हमारा शूटिंग, जितने लोग शूटिंग बोल रहे उनका जवाब बिल्कुल सही, शूटिंग में इनको कांस्य पदक मिला हुआ है सिंहराज को। तो देखिए गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन, हमने अभी तक टोक्यो और पैरा ओलंपिक में कितने हमको मेडल मिले, कितने मेडल मिले हुए हैं भाई साहब, हमको नहीं पता है, एग्जाम में पूछा गया, अभी डीएसएसबी के एग्जाम में पूछा गया कितने मेडल मिले हुए हैं हमको, तो बेटा देखो लिखा हुआ है ऑल टाइम हाईएस्ट है 19 मेडल, जिसमें से 5 गोल्ड है, सब आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, रिविजन कर लेना भाई साहब, 5 गोल्ड है, 8 सिल्वर है और 6 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल है, ठीक है ना, ये बेस्ट मेडल टैली है अभी तक की हमारे जो है इंडिया 24वें नंबर पे 24th नंबर पे थी 162 देशों में पैरालंपिक में हम 24वें नंबर पे थे भाई साहब, कितने मेडल जीते हमने, 19 मेडल जीते। जो लोग एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं वो जरा ध्यान से देखेंगे, जिनका एग्जाम है अभी CHSL का, MTS का, NTPC का, ग्रुप डी का, बाकी के लोग आराम करिए, डिफेंस का और SSC का, ठीक है। तो 54 हमारे यहाँ से पार्टिसिपेट किया था 9 अलग अलग स्पोर्ट्स में, जिसमें से 12 हमारे जो पैरा ओलंपिक्स है अभी तक हम लोगों ने जो है टोटल हमने कितने 12 जीते थे ना, कब पहला पैरा ओलंपिक हुआ था याद कर लो, 1968 में पहला पैरा ओलंपिक हुआ था, जिसमें हमारे पहली बार हमने अपेयर किया था, और 2016 तक टोटल हमने 12 जीते, और अभी तक हम लोगों ने एक ही बार में 19 जीत लिए, टोटल अभी तक 12 जीते थे और एक ही बार में 19 जीत लिए, तो ये हमको याद रखना है, अभी तक 12 जीते थे और इस बार जो है हमने एक ही बार में 19 जीत लिए हैं, जो हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है, तो एक बार जय हिंद लिख दो सभी लोग, टोटल अभी तक 12 जीते और इसी बार 19 जीत लिए और 24वें नंबर पे आ गए, तो गर्व की बात है कि नहीं। देखिए यहां पर मैंने सबके नाम अटैच कर दिए आप लोगों के लिए,
कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप यहां से जरूर उठा करके नाम याद कर सकते हैं। सिंहराज का मैंने पूछा था, ये शूटिंग करते हैं, देखिएगा 50 मीटर पिस्टल चलाते हैं, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है भैया। यहाँ पे यार बच्चे नहीं दिख रहे हैं अभी तक, 180 बच्चे नहीं हुए, बताइए जगन कैसे मजा आएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं, 2021 की बात है, मैत्री दिवस बेटा किसके साथ हमने बनाया हुआ है, बताइए, जवाब आपके सामने है। बहुत बड़े बच्चों, श्रेयान बेटा हम तुम्हारे कमेंट नहीं पढ़ पा रहे, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है। यहाँ पर जनता बोली है सर सही जवाब होना चाहिए, हमारे बांग्लादेश के साथ मैत्री दिवस हमने ये सेलिब्रेट किया हुआ है। मैत्री दिवस मतलब हमने बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया था पाकिस्तान से, तो मैत्री दिवस बांग्लादेश के साथ मनाते हैं। शेख हसीना यहाँ की हमारी पीएम साहब है। अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, बताइए भैया अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेपाल नहीं बेटा, बांग्लादेश होगा, गोजो बांग्लादेश, ठीक है। यहाँ जनता बोलेगी सर सही जवाब होना चाहिए, यहाँ पे जनता होनी चाहिए सर विजय सांपला इज राइट आंसर। विजय सांपला यहाँ पे अनुसूचित जन आयोग के बनाए गए हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये 2021 में चेंज किए गए थे 89 अधिनियम के तहत, 2003 में अनुसूचित जनजाति में बदला गया था, मतलब 89 अमेंडमेंट के तहत 2003 में जो हमारा SC था उसमें ST को भी जोड़ा गया था, ST ST को जोड़ा गया था, तो ये भी हमको याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे यहाँ पर बेस्ट मैराइन डिस्ट्रिक्ट के नाम से, मरीन का मतलब है समुद्री जिले के से किसको आप सम्मानित रूप देखेंगे, बालासोर है, कच्छ है, जैसलमेर है, नागौर है, किसको आप सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में सम्मानित करता हुआ पाएंगे। तो जनता बहुत अच्छी तरीके से जवाब दे रही है और 200 के आंकड़े की तरफ लेके चल रहे हैं बच्चे, यहाँ पर बोले सर आज 300-400 की तरफ हम लोग आगे चलेंगे। जनता बोली है सर यहाँ पे अगर सही जवाब होना चाहिए तो हम यहाँ पे टिक करेंगे, समुद्री जिला अगर पूछना है तो मुझे लगता है कि इन दोनों को हटा देना चाहिए, समुद्र के किनारे तो है नहीं। अब इनमें से मैं उड़ीसा के ऊपर टिक कर देता हूँ, उड़ीसा का बालासोर इज राइट आंसर, एक नंबर यहाँ पे सही जवाब है, समझे कि नहीं उड़ीसा वालों। अगला क्वेश्चन है, नो योर राइट एंड क्लेम देम, अपने अधिकारों को जानो और उनको क्लेम करो, किताब किसने लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये, हैं किसने लिखी है, नो योर राइट एंड क्लेम देम, बहुत बढ़िया। ब्रैड पिट की वाइफ, ठीक है ना भाई, ब्रैड पिट की वाइफ है एंजेला जॉली। चलो आगे चलते, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम कौन है, यहाँ पर हमारे चेयरमैन किसके, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, जोहरी साहब है, गुप्ता साहब है, अभिनव कुमार है, कृष्णा राज गुप्ता है। जनता बोलेगी सर टैक्स, टैक्स की असली परख जो है वो किसको होती है, तो सोने की असली परख जोहरी को होती है और टैक्स की असली परख भी विवेक जोहरी को होती है, इसीलिए तो इनको चेयरमैन बनाया गया है। भाई देख लो यहाँ पे चेयरमैन जितने लोग बोल रहे हैं विवेक जोहरी जी नाम सही है, विवेक जोहरी यहाँ पे जवाब सही, आने वाले प्रश्न है सारे के सारे। संस्कृत दिवस बेटा कब मनाया जाएगा, संस्कृत दिवस कब मनाता हुआ देखेंगे, 21 अगस्त, 22 अगस्त, 23 अगस्त या 24 अगस्त, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, संस्कृत दिवस के ऊपर प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जनता बोली है सर संस्कृत दिवस, हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा, पूरे वर्ल्ड की सबसे प्राचीन भाषाओं में अगर आप इसका नाम देखेंगे, वेद उपनिषद सब इसी में लिखे गए हैं और ये हमारे 22 अगस्त को मनाई जाती है, आज है 22 अप्रैल, आज है वर्ल्ड अर्थ डे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आपको घसीट के लेके चलते हैं, अगला क्वेश्चन है बीआरओ के मुख्य अभियंता उपकरण प्रबंध सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है, द एनुअल चीफ इंजीनियर एंड इक्विपमेंट बोर्ड बीआरओ इन न्यू दिल्ली 2021 वाज इनॉग्रेटेड बाय अनूप कुमार, अभिनव कुमार, अजय कुमार या कृष्णराज अरोरा। सर बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, बीआरओ हमारे देश का सबसे उत्कृष्ट संस्थान है जो हमारे देश की सीमाओं पर सड़क बनाने का काम करता है, चाहे वो हमारा चाइना की सीमा हो चाहे हमारे पाकिस्तान की सीमा हो, बहुत ही कठिन काम करता है और इसके इनॉग्रेशन का काम किया है अजय कुमार जी ने, अजय कुमार इज राइट आंसर। सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप किसने जीता है, भारत को हरा करके, मतलब हमारा इंडिया हार गया है महिला फुटबॉल में, सैफ मतलब साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, ये टूर्नामेंट था, भारत किससे हार गया था। जनता बोल रही है सर सही जवाब होना चाहिए, सर मैं कभी 8वीं पास नहीं हूँ, नौकरी मिलेगा क्या टेक्स्ट बुक में, मैं अभी 8वीं पास हूँ, बेटा पढ़ाई कर लो, तुम पढ़ाई कर लो, यहाँ जनता बोले बेटा तुमको जरूर मिलेगी नौकरी, बांग्लादेश इज राइट आंसर, बांग्लादेश ने जीता हुआ है याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, हमारे यहाँ पर 1-0 से इंडिया को हरा दिया था बांग्लादेश ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, डूरंड कप का हमारा जो है संस्करण 2021 में कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती ने में जो शुरू हुआ था, ये कौन सा डूरंड कप बेटा किससे संबंधित है, तुम्हें लोग बताए सर फुटबॉल से संबंधित है, ये कौन सा हमारा जो है फुटबॉल से संबंधित है, कौन सा संस्करण है, सर नहीं पता है, मैं बताने के लिए बैठा हूँ ना, कौन सा संस्करण था जो कहाँ पर हुआ है,
कोलकाता में हुआ था बेटा ये टूर्नामेंट, कोलकाता में बहुत ज्यादा फुटबॉल को प्यार किया जाता है। क्या जनता बोली है सर, 130वां नंबर का विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में ये हमारा टूर्नामेंट हुआ, डूरंड कप इज रिलेटेड टू फुटबॉल, बहुत बढ़िया बेटा। जुलाई 2021 में राज्यसभा सदन के लीडर के रूप में आप किसका नाम आगे करेंगे, अनुराग ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल। जनता बोलेगी सर इन चारों में अगर सही जवाब आप पूछेंगे राज्यसभा में जो हमारे लीडर चुने गए हैं उनका नाम है, बहुत बढ़िया। जनता बोली है सर सही जवाब होना चाहिए पीयूष गोयल जी, कौन है भाई पीयूष गोयल जी इज राइट आंसर। पीयूष गोयल जी जितने बच्चे बोले हैं उनका जवाब बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है, बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक, किस वैक्सीन वैज्ञानिक को रेमन मैगसेस के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, रेमन मैगसेस अवार्ड किसको दिया गया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने बोला एक एक क्वेश्चन 1000 में से 1000 चुन चुन के परक परक के तोड़ के लाए हुए क्वेश्चन है। यहाँ जनता बोली है सर सही उत्तर होना चाहिए हमारे जो बांग्लादेश के वैक्सीन वैज्ञानिक है जिनका नाम क्या बाबू, यहाँ पर देखेंगे सभी लोग नाम क्या है, फिरदौसी कादरी। फिरदौसी कादरी जितने लोग बोल रहे हैं उनका एकदम कायदे में जा रहा है सब कुछ। तो कादरी साहब एक सीनियर साइंटिस्ट है हमारे म्यूकोला इम्यूनोलॉजी एंड वैक्सीनेशन यूनिट जो कि हमारे बांग्लादेश में आपको देखने मिलेगी, इनके डॉक्टर फिरदौसी कादरी जी ने यहाँ पर जितने लोग बोल रहे हैं कायदे में जा रहे हैं, बिल्कुल सही है। फूड बियर ब्रांड एम्बेसडर प्लूटो के किस के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया, सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, बीएस लक्ष्मण, कौन बने बेटा फूड बियर ब्रांड प्लेटो के कौन बने हैं हमारे एम्बेसडर, यार मेरे को भी नहीं पता है तो ये कौन सी कंपनी है यार। जनता बोलिए सर अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो देखिए ब्रांड एम्बेसडर पूछा जा रहा है, हमने एसएससी के एग्जाम में देखा हुआ है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए। यहाँ जनता बोलिए सर सही जवाब होना चाहिए राहुल द्रविड़, राहुल द्रविड़ जितने लोग बोल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब की तरफ बढ़ रहे हैं, जवाब उनका सही है। 1 से लेकर 10 दिसंबर तक युवा पैरा ओलंपिक का जो चौथा संस्करण है एशियन यूथ पैरा ओलंपिक कहां पर होगा, कतर में, बहरीन में, सऊदी अरब या ओमान। बेटा ये अभी 1 से लेकर 10 दिसंबर तक हुआ है, जवाब दोगे नंबर पाओगे तभी, ऐसे नंबर थोड़ी ना मिलने वाला है, घिसना पड़ता है बेटा घिसना पड़ता है। तो प्रिंस बोला है सर इसका जवाब हम देना चाहेंगे, बिल्कुल इजाजत है आपको। जनता बोले सर हम यहाँ पे जवाब देना चाहेंगे, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर जनता बोले है सर बहरीन, बहरीन इज राइट आंसर। बहरीन की कैपिटल है क्या, मनामा इज द कैपिटल ऑफ बहरीन। आगे चलते अगला क्वेश्चन बनाते हैं, बहरीन में होना सभी लोगों ने यहाँ पे बता भी दिया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर विम्बल्डन का जो टूर्नामेंट है 2021 का फीमेल वर्जन वो किसने जीता हुआ है, एस्ले बर्टी है, कैरोलिनिया है, नेवानी ओसाका है, बारबोरा है। तो भैया देखो अगर पता है 2021 का कोई भी टूर्नामेंट अगर मेल का आ जाए मेल का तो बेटा खेल जाना जुआ नोवान ओक पे, नोवान जोकोविच टिक करके आ जाना है ना, चाहे वो फ्रेंच ओपन है या कोई भी आ जाए तो एक बार आप रिस्क ले सकते हो। लेकिन महिला वर्जन पूछा गया है तो यहाँ पर हमको याद रखना है जिन्होंने अभी रिटायरमेंट लिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है, ऑस्ट्रेलिया ओपन भी इस साल का जीता हुआ है, मैं तो एस्ले बर्टी के ऊपर टिक करूंगा। तो एस्ले बर्टी इज राइट आंसर, नंबर एक पर जाकर के रिटायरमेंट लेना भैया बहुत बड़े डिफिकल्ट टास्क होता है, ठीक है ना भाई साहब। ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो नोमानी ओसाका ने जो है ये ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का जीता था, 2022 का एस्ले बर्टी ने जीता है, बारबोरा ने फ्रेंच ओपन जीता हुआ 2021 का, ठीक है भाई साहब याद रखिएगा, अटैच भी हो जाएगा तो तुम लोगों को रिविजन करने में आसानी रहेगी। नोमानी ओसाका ऑस्ट्रेलियन ओपन जीती थी। डब्ल्यूटीओ के हमारे अगले महानिदेशक कौन है, डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक का नाम बताइए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सभी बच्चे अच्छे से खेल रहे हैं, बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, सबसे अच्छी बात यह है। तो यहाँ पर जनता बोली है सर हमारे देश में जो डब्ल्यूटीओ के अगले महानिदेशक बने हुए हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है बिल्कुल दैट वाज द नेगोजी ओकांजो इवेला, है ना, निकोजी इवांजो अवेला जो है यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, काफी कठिन नाम है। तो डब्ल्यूटीओ के जो हमारे हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है, जिनेवा में है, ठीक है ना। तो देखिए 1995 में ये ऑर्गेनाइजेशन आया था, 164 इसके मेंबर कंट्रीज हैं, जिनेवा में हेडक्वार्टर है, और इसके नाइजीरिया के इकोनॉमिस्ट, कहाँ के नाइजीरिया के इकोनॉमिस्ट इसके क्या बनने वाले हैं, नोगांजी ओकोंजो इमोला, ये बनने वाले हमारे चेयरमैन। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का सेकंड एडिशन कहाँ पर हुआ बेटा, 250 की तरफ लेके चलो आंकड़े को, खींचो यार सभी लोग खींचो आंकड़े को। सर ने क्वेश्चन पूछा है कि खेलो इंडिया जो है वो विंटर ओलंपिक कहाँ पे होने वाला है, तो यहाँ पर जनता बोली है सर सही उत्तर होना चाहिए, जितने लोग बोले हैं सर खेलो इंडिया जो विंटर ओलंपिक गेम है वो अगर हमारा पूछा जाएगा तो गुलमर्ग के ऊपर टिक करेंगे, नंबर घर लेके चलेंगे, गुलमर्ग इज राइट आंसर। 51वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है, हमें किसको दिया गया, अक्कितम अच्युतम नामनपुरी है, नील मणि फुक्कन है, दामोदर मांझवो है, अमिताभ घोष है, क्या होना चाहिए दोस्तों सही उत्तर। सर ने क्वेश्चन पूछा है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये किसने जीता हुआ है, तो सभी बच्चे यहाँ पर जवाब दे रहे हैं। सर आपने भी कुछ ही दिन पहले बताया था कि हमारे यहाँ पर जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो नील मणि फुक्कन जी ने जीता हुआ है, जितने लोग बोल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। दशरथ कुमार मिश्र जी को सरस्वती सम्मान मिला हुआ है, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे अच्छे से पार्टिसिपेट करें। फुक्कन जी को यहाँ पर हमारे दिया गया है, एसएमई के हैं ये और गुवाहाटी के रहने वाले हैं,
है ना, और इनको ये अवार्ड दिया गया, काफी सम्माननीय बात है, हम चाहते हैं कि ऐसे अवार्ड ये जीतते रहे। प्रतिष्ठित टाइम एक्सीलेंट अवार्ड 2021 का किसको दिया जाना चाहिए, क्या लगता है यहाँ पे टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड किसको दिया जाएगा, नाम आपके सामने है, कोशिश करिए। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दो तीन बच्चे जो हैं वो जवाब नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं। तो टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड प्रेस्टीजियस जो दिया गया है वो हमारे हैं सर्बानंद रॉय, सर्बानंद रॉय के ऊपर आपको टिक करना है, आपको नंबर मिल जाएगा। दोस्तों अगर हम देखेंगे टाइम्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर कौन बने, एलन मस्क। एलन मस्क जो है वो पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किए गए। बहुत बड़े बच्चों, अगला क्वेश्चन है लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता हुआ है, स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता हुआ है। तो ज्यादातर बच्चे जवाब दे रहे हैं मैं एकदम बढ़िया हूँ, जनता बोले सर यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए हमारे राफेल नदाल, जो कि हमारे बहुत बड़े टेनिस के खिलाड़ी है, स्पेन के रहने वाले हैं, इन्होंने अवार्ड जीता हुआ है, जबकि महिलाओं में इमा रादकिनू ने जो है ये अवार्ड जीता हुआ है। महिलाएं पूछेंगे तो इमा रादकिनू ने ये अवार्ड जीता हुआ है, ये भी टेनिस के खिलाड़ी है। बहुत बढ़िया बेटा, इतनी बढ़िया तरीके से तुम लोग जवाब दे रहे हो, मुझे लगा नहीं था। तो इमा रादकिनू यहाँ पे महिलाओं में और राफेल नदाल पुरुषों में जीते हुए हैं, समझे कि नहीं बाबू। तो ये भी हमने यहाँ पर अवार्ड को जोड़ दिया है और आपको ये याद रखना है, राफेल नदाल ने ये 6 मई को जीता था, नुमानी ओसाका ने महिलाओं में 2022 का, हमने आपको बता दिया है, एमदा रान कानू ने जीता हुआ है, ठीक है ना भाई साहब। तो आगे चलते अगला क्वेश्चन है, 27 सितंबर की एक न्यूज है, जिम लैंजोन को किसका सीईओ बनाया गया है, बहुत ही बड़ी कंपनी है जिन्होंने अपना सीईओ चेंज किया था, जिम लॉरजोन ने, जिम लॉरजोन को ने किसको अपना सीईओ बनाया हुआ है। बहुत बढ़िया बेटा, एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो, याहू, आईबीएम या गूगल, तो आप लोगों को पता है कि जो सीईओ चेंज किया हुआ है वो याहू और आईबीएम में यहाँ पर लोगों को कंफ्यूजन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो सही जवाब होना चाहिए सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के है ना, सुंदर पिच्चाई गूगल के हैं, तो यहाँ पे सही जवाब मैं याहू के ऊपर टिक कर देता हूँ, तुम लोगों ने बोला याहू के ऊपर टिक करिए, याहू इज राइट आंसर, ठीक है। तो याहू के ऊपर टिक करने पे हमें नंबर मिल गया है। आपको बताना है कि क्लोव फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट रिसीव्ड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, कन्याकुमारी है, कारसोड है, अल्लापुंजा है या कोंजीकोड है। यहाँ पे लॉन्ग, एक गाना भी है मैं लॉन्ग टू इलायची, बहुत ज्यादा हिट हुआ था गाना भाई साहब, जहाँ देखो लॉन्ग टू इलायची, एक लॉन्ग बन जा रहा था लड़का, एक इलायची बन जा रही थी लड़की, उसके पीछे पीछे लोग घूम रहे थे, शादी में खूब गाना बज रहा था मैं लॉन्ग टू इलायची, तुम लोगों ने सुना है कि नहीं, यूट्यूब में उसके ऊपर बहुत ज्यादा व्यूज है भाई, समझ रहे हो कि नहीं। यहाँ जनता बोल रही है सर लॉन्ग जिसका जियोग्राफिकल इंडिकेशन बना हमारे 2021 में उसका नाम है कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी, कश्मीर में तू कन्याकुमारी, ये भी गाना है। अच्छा, नवंबर 2021 में हमारे मद्रास के जो चीफ जस्टिस बने हैं मद्रास हाई कोर्ट के, उनका नाम क्या, मुनेश्वर नाथ है, राजेंद्र मिनन है, मुकेश आर है या अमरेश प्रताप साहिब है। दोस्तों हमारे देश के सबसे पुराना जो हाई कोर्ट है वो कलकत्ता में है, उसके बाद से मुंबई और मद्रास में हमारे खोले गए, है ना, कलकत्ता हाई कोर्ट, फिर मुंबई में और फिर मद्रास में हमारा हाई कोर्ट खोला गया। तो मद्रास के जो हमारे चीफ जस्टिस अभी चेंज हुए हैं उनका नाम है मुनेश्वर नाथ भंडारी, भंडारी साहब के ऊपर टिक करना है, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से आपका जवाब सही हो जाएगा, ठीक है। तो आगे की तरफ जाके चलते हैं भैया 300 के आंकड़े की तरफ, थोड़ा सा जो है वो हमको भी जोश आना चाहिए ना, जुनून रहना चाहिए कि 1000 क्वेश्चन कराने हैं, तो बच्चे 300 400 500 बढ़ेंगे तब मजा आएगा, क्यों, गलत बोले बुरलान। तो सपना बोले सर एकदम टिक करके हम बैटिंग कर रहे हैं, ठाकुर साहब बोले सर अगला क्वेश्चन आप जो बोल रहे हैं, आप बताइए यहाँ पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो है वो हमारी चेयरमैनशिप कौन करने वाले हैं, ऑप्शन देख लीजिएगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये हमारा हेडक्वार्टर यहाँ पे आप अमेरिका न्यूयॉर्क में देखेंगे, इसको हम लोग वर्ल्ड पुलिस बोलते हैं, सुरक्षा देती है ये, इसके 5 मेंबर हैं, 10 इसके नॉन परमानेंट मेंबर है, 2 साल के लिए चुने जाते हैं, और इसकी अध्यक्षता इस बार कर रहे हैं हमारे कौन, बहुत बढ़िया, हर्षवर्धन संगला, जितने लोग हर्षवर्धन संगला बोल रहे हैं जवाब बिल्कुल सही है, ये हमारे विदेश सचिव थे जिनका टेन्योर भी खत्म हो रहा है इस अप्रैल में। अगला क्वेश्चन है नरगिंगम टेस्ट के पहले टेस्ट में भारत के खिलाफ अनिल कुंबले के 619 विकेट का रिकॉर्ड तोड़ने वाले तीसरे सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने, एंडरसन है, रॉनी रानी है, जॉन क्राफ्ट है या मार्क एलहाम है। लड़कियों जो क्रिकेट नहीं देखती होंगी ना उनको तो भैया सर क्या करें, स्किप कर देंगे, और जो क्रिकेट देखते होंगे वो तुरंत टिक मार के आएंगे, सर जिमी एंडरसन होना चाहिए, जिमी एंडरसन होना चाहिए, क्या लगती जनता। तो दोस्तों यहां पर बिल्कुल हमारे सबसे ज्यादा विकेट लिए मुरलीधरन ने 800 विकेट, फिर शेन वॉर्न ने, दिवंगत शेन वॉर्न ने, बहुत ही बढ़िया बॉलर, एंड देन जिमी एंडरसन इज राइट आंसर, जिन्होंने यहाँ पर अनिल कुंबले का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो जिमी एंडरसन इज राइट आंसर, फास्ट बॉलर के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि वो इतने दिनों तक सस्टेन कर पाए, तो यहाँ पे जिमी एंडरसन इज राइट आंसर। किस देश ने अंतरिक्ष में मलबे को कम करने के लिए एक हमारे सहजान सेटेलाइट को लॉन्च किया हुआ है ना, वो कौन सा है, सीजियान सेटेलाइट है, सीजियान सेटेलाइट 21 है ना, ये किसने लॉन्च किया, टेस्टिंग द
डेवरेस मिटिगेशन टेक्नोलॉजीज, चाइना है, नॉर्थ कोरिया, जापान है या हमारा कोरिया है। यहाँ जनता बोलेगी सर अगर देखेंगे सीजियान तो ये नाम ही लग रहा है कि चाइना कोरिया में होगा और सब वही ऑप्शन में दिए, अब क्या टिक करके आ जाए। तो हमारे यहाँ पर सही जवाब होना चाहिए चाइना। बेटा यही काम कर रहा है, कभी कृत्रिम सूरज बना दिया, एक दिन हमने करंट अफेयर पढ़ा रहे थे, कृत्रिम सूरज बना दिया, 17 सेकंड तक उसको चला भी दिया। हमने कहा बाबू ये क्या करना चाहता भैया, सूरज बना दिया, पता चला पृथ्वी धू धू करके जल रही है। कहा कि यार चाइना ने सुलगा दिया है, चाइना धीरे सुलगा दिया, चाइना सुलग रहा है, कोने से इंडिया में भी आग पकड़ ली, सूरज बनाए पड़े। भाई साहब यार अपने काम से मतलब रखो, है कुत्ता बिल्ली खाने वाले सब यही सब काम करते रहते, सूरज बना देंगे, पता नहीं क्या क्या करते रहते। खैर उनके अपना अधिकार है भाई। एसबी एनर्जी को किस कंपनी ने अधिग्रहित कर लिया है? अडानी ग्रीन से टाटा है ना, क्लेवर एनर्जी है या सुजलान लिमिटेड है? भैया हमारे यहाँ पर जो है वो अधिग्रहण का काम सिर्फ एक ही कंपनी कर रही है, चाहे वो पोर्ट हो चाहे एयरपोर्ट है। तो भैया मैं तुम्हारी जगह पे होता ना तो क्वेश्चन छोड़ के नहीं आता। हमने कहा अधिग्रहण किया है ना, लह मार के आते हैं, टिक जोगा देखा जाएगा, मोदी जी का नाम लेकर टिक मार के चलेंगे, हर हर मोदी है, अडानी का नाम भी हम टिक करके आएंगे, देखते क्या होता है। अडानी टिक किया, नंबर घर लेके चले। तो अडानी जो है ये सब खरीद रहा है ना, तो मोदी का नाम लेकर टिक मार के चलाना अडानी के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि किस देश ने विकास परियोजनाओं के लिए 200 मिलियन अमेरिकन डॉलर की ऋण दे रहा है भारत? 200 मिलियन भाई साहब। इंडिया हैज एग्रीड द USD 2 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट सपोर्ट टू द विच कंट्री? किर्गिस्तान है, अजरबैजान है, तजिकिस्तान है, कजिकिस्तान है? भाई साहब बाप मरे अंधियारे में बेटा का नाम पावर हाउस, सुने हो कि नहीं, हमारे यहाँ कहावत है, हमारे देश के लोग जो है वो मुहताज है खाने खाने को और बाप पावर हाउस बेटा बने घूम रहे हैं। सही जवाब है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान जो है बिस्केक यहाँ की कैपिटल है, जिसको हम 200 मिलियन का क्रेडिट लाइन दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी पंक्ति सुशोभित होती है, बाप मरे बेटा मरे बाप मरे अंधियारे में और बेटा का नाम पावर हाउस। यहाँ के देश के लोग भैया ढूंढ रहे हैं कि नौकरी मिल जाए, है पीछे 4-4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ हो जाए, महंगाई कम हो जाए, और ये भाई साहब तो इसी पे कहानी जो है वो सूट कर रही है। अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे कारीगर मेला, मतलब कारीगर्स के लिए, कारीगर्स के लिए जो हमारा कारीगर का मतलब क्या होता है, जो बनाने वाले होते हैं, उनके लिए एक हमारे किसने एक इनिशिएटिव शुरू किया है, नाम रखा है कारीगर मेला? अलीबाबा है, अमेजन है, ओवरस्टॉक है, वॉलमार्ट है? क्या होना चाहिए दोस्तों? यहाँ पे जनता बोली है सर 280 तो बच्चे नहीं हो पाए अभी, है ना, हमने लगा था कि 300 का आंकड़ा हम लोग आज टच करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास जो है वो 15-20 मिनट है, अगर तुम लोग थोड़ा सा खींचोगे ना आंकड़े को, अगर पकड़ के खींच दोगे तो 300 के ऊपर हम लोग चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारे हाथ में, मेरे हाथ में कहाँ कुछ है। अमेजन इज राइट आंसर, अमेजन ने इसकी शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में हमारा हनीवे फेस्टिवल की शुरुआत की गई? अंतरराष्ट्रीय, बेटा देखिए अंतरराष्ट्रीय इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हनी बी फेस्टिवल ऋषिकेश है, हल्द्वानी है, रुड़की है या पिथौरागढ़ है? जल्दी बताइए। यहाँ पर जनता बोली है सर सही उत्तर होना चाहिए, जितने बच्चे बोल रहे हैं सर सही जवाब होना चाहिए हल्द्वानी, हल्द्वानी इज राइट आंसर। यहाँ पर इंटरनेशनल हमारा जो है हनी बी फेस्टिवल हुआ था। अच्छा एक बात बताइए, हमारे मोदी जी ने अक्टूबर 2021 में, याद रखिएगा अक्टूबर 2021 में किसकी हमारी 119वीं जो है वो बर्थ एनिवर्सरी को हमारे डेडिकेट किया देश को? जयप्रकाश नारायण है, राम मनोहर लोहिया है, नरेंद्र देव है या चंद्रशेखर है? किसकी जो है वो एनिवर्सरी को इन्होंने सेलिब्रेट किया, 119वीं थी, बताइए क्या होना चाहिए? बहुत बढ़िया, जनता यहाँ पे जवाब दे रही है कि सर गांधी जी तो होना नहीं चाहिए, गांधी जी ऑप्शन में भी नहीं है। यहाँ पे सही जवाब है जेपी दद्दा, जयप्रकाश नारायण, बहुत बढ़िया तरीके से जनता ने जवाब दिया है, लोक नायक जयप्रकाश नारायण, बिहार की आन बान और शान। अब एक क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उच्चतम पुरस्कार 2021 का किसको दिया जाना चाहिए? आपके सामने लिखा हुआ है, जवाब आपको देना है, उच्चतम पुरस्कार 2021 का किसको दिया गया? रामू कलियात है, ऋषिकेश मुखर्जी है, वैलार राम वर्मा है या पी वलसला है? बहुत बढ़िया, सभी बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सबसे अच्छी बात तो ये लग रही है। जनता बोलिए सर सही उत्तर होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर जो उच्चतम पुरस्कार है ये दिया गया हमारे पी वलसला जी को, तो पी वलसला इज राइट आंसर, याद कर लो नाम वलसला, एग्जाम में नहीं तो जलजला आ जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक हमने पूरे अभी तक का सबसे ज्यादा जीएसटी को वसूल किया है, कितने लाख करोड़ है, कितने लाख करोड़ जो है जीएसटी हमने वसूल किया है? यार 300 को टच करके टक से वापस आ गए हम लोग, एक बार खींचो यार आंकड़े को, मैं सोचा था 300 के ऊपर जाएंगे हम लोग आज। तो अभी तक का जीएसटी जो हमने सबसे ज्यादा वसूल किया है, आर्टिकल नंबर 269A में जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे, हमारे संविधान संशोधन बिल नंबर 121 के तरीके आया था, लेकिन संशोधित होने वाला 101वां अमेंडमेंट है,
2017 में इसको लेकर के आया गया था, 5 साल हो चुके हैं जीएसटी के आए हुए, लेकिन अभी तक किसी को समझ में नहीं आया। और गवर्नमेंट को प्रॉफिट पे प्रॉफिट हो रहा है, 1.5 लाख करोड़ का जीएसटी 2021 में वसूल किया। भाई साहब कितना पैसा है भाई, कहा करोगे मोदी जी इतना पैसा है। नौसेना में ई कैश कार्ड को लॉन्च करने के लिए किस हमारे बैंक के साथ टाई अप किया है, नेवी ने किसके साथ, इंडियन नेवी ने किसके साथ पार्टिसिपेट किया हुआ है, नौ ई कैश कार्ड लॉन्च कर रहे हैं। भैया जी स्माइल कर दो एक बार बेटा यार, 25 लड़के जो ऊपर नीचे हो रहे ना, थोड़ा सा टिक करके बैटिंग करो, टिक करके 300 का आंकड़ा टच कर लेंगे यार, हैं? तुमको मुंबई इंडियन की कसम है, टिक करके बैटिंग करो। बेचारे एक भी मैच नहीं जीत पाए, कलो हार गए। यहाँ पे सही जवाब है कौन सा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सही जवाब है, हेडक्वार्टर मुंबई में बेटा। इसका पहले नाम क्या था, इसका पहले नाम था, याद कर लेना यहाँ पे, हमारा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में बना था बेटा, बाद में इसका नाम परिवर्तित होकर 1955 में हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बेटा। 1955 है, ठीक है ना बेटा। इसके जो चेयरमैन का नाम है बेटा खारा साहब है, दिनेश खारा जो है इसके चेयरमैन साहब है, काफी बढ़िया आदमी है खारा साहब। मैं इनसे पर्सनली कभी नहीं मिला हूं, लेकिन एक लड़का ही हमको बता रहा था। तो याद रखना है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया पहले इसका नाम था, 1955 में इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई में हेडक्वार्टर है, दिनेश खारा हेड का नाम है। आप क्या बता दें कि हमारे अकाउंट इसमें है, इतने पैसे हैं, ₹4 हमारे अकाउंट में, इस वाले में पैसा नहीं रखे हैं, है ही नहीं पैसा। एनसीसी के जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम क्या है, एनसीसी मतलब नेशनल कैडेट कॉर्प्स के जो हमारे डायरेक्टर जनरल, उनका नाम बताइए। तो यहाँ पे जनता बोली है सर अगर आप एनसीसी की बात करेंगे, नेशनल कैडेट कॉर्प्स की, उसके जो हमारे डायरेक्टर जनरल बने बहुत बढ़िया, सभी बच्चे यहाँ पे सबसे पहले तो पार्टिसिपेट करें भाई। 12 लड़कों की कमी है यार, वो 12 लड़के कौन है, तुम ही हो सकते हो जो मोबाइल बंद करो यार, खींच दो एक बार, खींचो सब लोग। यहाँ बोला है सर गुरबीर पाल सिंह है, गुरबीर पाल सिंह यहाँ पर जितने लोग बोले जवाब सही है, ये सितंबर में एनसीसी के बने थे हमारे चेयरमैन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने महानदी को किस जिले किस राज्य पर सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया है, उड़ीसा के किस जिले पर सबसे लंबा पुल बन रहा है, सबसे लंबा पुल है, अंगूल है, बालासोर है, कटक है या देवगढ़ है, बताओ जल्दी से, महानदी के ऊपर बन रहा है। उज्ज्वला बोल रहे हैं कि सर गुड मॉर्निंग, कहाँ थे भैया उज्ज्वला, तुम्हारा इंतजार हो रहा था, 9 बच्चे और बचे हैं। जनता बोले इसे सही जवाब होना चाहिए, यहाँ पे जितने बोला कटक, कटक इज राइट आंसर, कटक महानदी किनारे सबसे लंबा पुल बन रहा है भाई साहब, बहुत शानदार पुल है। केंद्र सरकार ने किस कार्यकाल को 2024 तक बढ़ा दिया, किसका कार्यकाल जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, दिनेश कपूर है, कृणाल रस्तोगी है, पी आर राजगोपाल है, निशान सक्सेना है। तो यहाँ पर जनता बोली है सर सही उत्तर होना चाहिए यहाँ पर, हमारे पीआर राजगोपाल, इनका कार्यकाल 2 साल तक बढ़ाया गया, लेकिन है कौन ये बताना चाहिए कंप्यूटर जी को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे ज्यादा लाभार्थियों वाला राज्य कौन सा है, सबसे ज्यादा जो लाभार्थी है किस राज्य में आपको देखने को मिलेंगे। नंबर एक पर हमारे आत्मनिर्भर रोजगार योजना पे महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, भाई साहब क्या होना चाहिए। जनता बोले सर तमिलनाडु, कई लोग बोले हैं सर यूपी होना चाहिए, कई लोग उत्तर प्रदेश की तरफ जा रहे हैं कि सर उत्तर प्रदेश के ऊपर टिक करिए, उत्तर प्रदेश गलत जवाब है, महाराष्ट्र इज नंबर एक पर है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, समझ रहे हो कि नहीं, तो यहाँ पर यूपी के ऊपर टिक करो, नंबर घर लेके जाओ। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, विज्ञान भवन में ऋषिवुड विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया है, एक नई यूनिवर्सिटी बनाई गई है, दैट वाज अ ऋषिवुड यूनिवर्सिटी विज्ञान भवन में, वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद, ओम बिरला, नरेंद्र मोदी जी। तो ऋषिवुड यूनिवर्सिटी एट द विज्ञान भवन न्यू दिल्ली इज इनॉग्रेटेड बाई, तो यहाँ पर जनता बोलेगी सर ये तो हमारे देश के सभी बड़े आदमी हैं, इन्हीं में से किसी ने किया होगा, सही जवाब है हमारे वेंकैया नायडू जी, हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट है, मतलब उपराष्ट्रपति है, आर्टिकल नंबर 63 में इनके बारे में बताया गया। आपको बताने की इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली प्राइवेट कंपनी कौन सी बन गई, मतलब इसरो के साथ समझौता कर लिया, हमने देखा था आज के करंट अफेयर्स में कि वनवेब ने इसरो के साथ समझौता किया है, इसके पहले कौन सी थी जल्दी बताइए। यहाँ पे अंता बोली है सर क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में, जैसा कि मैंने कई बार आप लोगों को 235 बार बताया हुआ है, इसके नए चेयरमैन का नाम है एस बी सोमनाथ जो इसके चेयरमैन है। दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, इसकी स्थापना हुई थी कब, 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, काफी शानदार तरीके से। और ये भी याद रखना है इसकी जो कंपनी इसमें माइग्रेट हुई है उसका नाम है स्काई रूट एयरस्पेस, जितने लोग बोले जवाब उनका सही है। यहाँ पे एक नंबर जवाब देना है, नंबर घर लेके जाना है। आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जो है वो किसने जीते, लुईस हैमिल्टन, सेबेस्टियन बेटल है, वोल्टेरी बोटास है या मैक्स वेटरपेन है, जनता क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे अंता बोली है कि सर आबू धाबी जो ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 है उसको जीता है, उसको किसने जीता है, तो उसको जीता है, बहुत बढ़िया तरीके से जनता ने यहाँ पर पिक कर लिया सर, इसको जीता है विभा सक्सेना बोल रही है सर।
इसको जीता है हमारे मैक्स वेटरपेन। मैक्स वेटरपेन जितने लोग बोले, चार नंबर जितने लोग बोल रहे होंगे उन बच्चों को नंबर मिल जाएगा। लेकिन नंबर एक के कौन है हमारे, लुइस हैमिल्टन है। नंबर एक पे कौन है, लुइस हैमिल्टन है। अगला क्वेश्चन, अरे यार ये कैसे बदल गया भाई, ये कीर्ति सेनन का नाम पहले आउट किसने कर दिया है। चलिए खैर कोई बात नहीं, ये ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे पूछा गया था कि हमारे एक अमेरिकन कंपनी है फॉसिल, सभी ने देखा होगा बड़ी महंगी घड़ियां आती है ना, अमीर लोग पहनते हैं फॉसिल, इसकी ब्रांड एम्बेसडर कीर्ति सेनन बनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पेरिस मास्टर 2021 का अवार्ड किसने जीता। भाइयों मैंने पहले बताया 2021 का कोई भी टेनिस का टूर्नामेंट पूछ ले, अगर नहीं आता है, आता तो ठीक है, ऐसे नहीं आता है तो आप नोवाक जोकोविच के ऊपर चले जाना, कोई सोचना और समझना नहीं, टिक मार के आ जाना हमारे कहने से, है ना। यूएस ओपन को मेदवेदेव ने जीता है, बाकी के सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है भाई साहब जीत के बैठे हुए हैं। चलो मार देते हैं, मार दिया जाए भाई, चलो मोदी जी का नाम लेके मार देते हैं, चलो इनका भी देखा जाएगा। तो सर्बिया के खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच और ये जीते हुए हैं, तो मोदी जी का नाम लेके हमने इनके ऊपर भी टिक कर दिया। कॉफी बीन्स बनाने के लिए टाटा कॉफी ने किस राज्य के साथ जो है टाई अप किया है। टाटा कॉफी आ रही भाई साहब, टाटा टी के बाद अब टाटा कॉफी, लेकिन किस राज्य के साथ समझौता किया है। तो निशा बोली है कि सर 1000 करंट अफेयर्स में 100 आज कराएंगे, ऐसे ही 10 दिन तक चलेगी क्लास, बिल्कुल 10 दिन तक चलेगी। पीडीएफ कहां पर मिलेगी, तो अभी आपको 5 मिनट के अंदर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन बच्चों यार हमें थोड़ा सपोर्ट चाहिए यार, समझ रहे हो कि नहीं, चलने के लिए जिस तरीके से सपोर्ट जरूरत होती है तुम्हारा, तो ये जो 10-15 बच्चे ऊपर नीचे कर रहे हैं ना, टिक के बैटिंग कर लेंगे मजा आ जाएगा। 300 के ऊपर से कितना मजा आ रहा था, मजा आ रहा था कि नहीं। शिवानी बोली सर हमको बहुत मजा आ रहा था, ठाकुर साहब बोले सर एकदम गर्दा उड़ा हुआ था। तो यहाँ पे जो सही जवाब है, नवीन पटनायक जी का स्टेट है, गणेशी लाल जी जहाँ के गवर्नर है, भुवनेश्वर जहाँ के कैप्टन है, उड़ीसा के ऊपर टिक कर दिया हमने। स्वच्छता सर्वेक्षण जिसको अगर हम बात करें तो इंदौर भाई साहब टॉप पे टिक के बैठा हुआ है, लेकिन इसकी शुरुआत 7वें संस्करण की किसने की हुई थी, बताइए आपको क्या लगता है, क्या टिक करके आ जाए। तो यहाँ पर देवाशीष बोला है सर इन ओवर उड़ीसा, बहुत बढ़िया देवाशीष, बहुत बढ़िया। जो 10 बच्चे हैं खींचो एक बार, सभी लोगों को खींचना है। यहाँ जनता बोली है सर हम तो यहाँ पर अर्बन अफेयर मतलब शहरी और हमारे मिनिस्टर जिनका नाम हरदीप सिंह पुरी है उनके ऊपर टिक करिए सर, मुझे ऐसा लगता है कि नंबर मिल जाएगा, मुझे भी ऐसा लगता है कि नंबर मिल जाएगा, नंबर बिल्कुल सही है, हरदीप सिंह पुरी इज राइट आंसर। मरियम बेबेस्टर में से इनमें से किसको वार्ड ऑफ द ईयर का भैया अवार्ड दिया गया। मरियम बेबेस्टर एक हमारी डिक्शनरी बनाती है, इसने वार्ड ऑफ द ईयर किसको दिया होगा, लॉकडाउन सोशल डिस्टेंसिंग वायरस वैक्सीन, भैया ये सब देख करके हमारी जो है वो आंखें भर आती हैं, आंखें नम हो जाती हैं, समझ रहे हो कि नहीं, टिश्यू पेपर है क्या भाई साहब। तो भैया 2021 में जिसने वाकई में हमारे इंसानियत को एक नया मुकाम दिया, हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन सभी को तहे दिल से सलाम है, भले एक दिन बुखार जरूर आया वैक्सीन लगवाने के बाद, लेकिन डर जो है वो मन से खत्म हुआ, उस पैनिक को खत्म करने वाला वर्ड है वैक्सीन। लगवाया है ना सबने भाई साहब, हाँ बूस्टर डोज भी लगवाओ। अब आपको बताना है कि हमारे असम में जोहराट क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन को स्थापित करने वाला कौन सा संयंत्र है, कौन लगा रहा है, एचपी है, गेल इंडिया है, एनएचपीसी है, ऑल इंडिया है। आज सुबह करंट अफेयर्स में ठुकवाया था ये वाला क्वेश्चन, करवाया था ना दिव्या, लेकिन सारे बच्चे तो 6 बजे आते नहीं है, इसलिए भैया 6 बजे वाली क्लास और 10:30 बजे वाली, ये दो क्लासेस करिए, मौज आएगा, फुल मजा आएगा। यहाँ पे जनता बोल रही है सर सही जवाब होना चाहिए ओएल, मतलब ओआईएल, ऑयल इंडिया लिमिटेड जिसको बोलते हैं, उनकी मदद से बनाया जाए जोहराट में। वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप जो कि हमारे पोलैंड के वॉर्सो में हुई थी, कहां पे हुई थी, पोलैंड के वॉर्सो में, इसमें हमने कितने मेडल जीते हुए, पोलैंड के वॉर्सो में यह टूर्नामेंट हुआ था, कितने मेडल जीते, 10, 15, 20 या 25, खींचो एक बार बेटा, 10 मिनट की क्लास बाकी है, 10 मिनट, पापा मम्मी जो भी तुम्हारे दोस्त सहेली जो भी बुला रहे रुक जाओ, पापा बैंक में जाएंगे थोड़ी देर के बाद, रुक जाओ क्लास चल रही है, टीचर बोल रहा है पूरे क्वेश्चन बनाओ, बना ले दो, बोल दो चुपचाप से पूरे क्वेश्चन बनाओ यहाँ पे 10 मिनट सिर्फ, 10 मिनट मोर। यहाँ पे जगदीश बोला है सर सही जवाब होना चाहिए, यहाँ पे हमने 15 टोटल मेडल जीते हुए थे, ये वॉर्सो में हुआ था पोलैंड में। अगला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट डिवीजन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इन 23 से 29 अगस्त, यहाँ पे फिल्म प्रभाग ने 23 से 29 अगस्त तक कौन से प्रोग्राम को चलाया हिंदुस्तान में, सैल्यूट टू द नेशन, न्यू जर्नी ऑफ द इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया था, या रिमेम्बरिंग ऑफ अवर सुपर हीरोज। बहुत बढ़िया बेटा गोविंद, बहुत बढ़िया ठाकुर साहब, निशा, श्रियान, राजपाल, ये सभी लोग टिक करके, दिव्या, सभी लोग यहाँ पे टिक के बैटिंग कर रहे हैं। रोहित बोला है सर सही जवाब होना चाहिए हमारा सैल्यूट टू द इंडिया, यही सही जवाब बेटा, एक नंबर तभी मिलेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नवरोज सिस्टम जिसकी शुरुआत जो है बलबन ने की थी, ये एक्चुअली में है क्या चीज भाई, व्हाट इज द नवरोज सिस्टम, बताइए। आपके सामने ऑप्शन लिखे हुए हैं, जब तक मैं 9 बच्चों का इंतजार कर रहा हूँ, 9 बच्चे हो जाए तो 300 हो जाए हम लोग भी वीरेंद्र सहवाग के तरीके।
जनता यहाँ पर बोल रही है सर सही जवाब होना चाहिए, बलबन ने सर इसकी शुरुआत की थी और इसको खत्म किया था हमारे हिंदुस्तान में किसने, औरंगजेब ने। तो औरंगजेब ने इसको खत्म किया था, लेकिन फिर हिंदुस्तान में यह पारसियों के द्वारा चालू किया गया। न्यू ईयर है, एक पर्सियन न्यू ईयर है, पारसी न्यू ईयर है, जितने बोल रहे हैं जवाब बिल्कुल सही है। पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता हुआ, बहुत बढ़िया। वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप जो जापान में हुई थी पैरा की, इसमें किसने रजत पदक जीता है, राकेश कुमार, हरविंदर सिंह, चंदीप सिंह है या श्याम सुंदर रामास्वामी है। तो यहाँ पे जनता ने जवाब देना शुरू कर दिया कि सर इसका जो जवाब है, इसका जो जवाब है मुझे भी लग रहा है इसका सही जवाब होना चाहिए, नहीं पता मैं बता देता हूँ, यहाँ पे चंदीप सिंह इज राइट आंसर। नाम देखिए कितना बढ़िया, चंदीप सिंह याद रहेगा, ऐसे नाम याद रहते। हमारे यहाँ पर एक बात बताइए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को 50% तक कटौती करने के लिए ओलंपिक समिति ने कितना यहाँ पर लक्ष्य रखा है कि ओलंपिक गेम्स में वो 50% तक पूरी तरीके से रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन 2025 है, 28 है, 30 है या 32 है। ईना चौलवे भाई साहब यहाँ पे सपना बोल रही है, स्मिता बोल रही है, शर्मिष्ठा बोल रही है, जगदीश, मृणाल, प्रिंस, रवि का मानना है इसका सही जवाब होना चाहिए 2030 तक, यहाँ पर सही जवाब है। और हमारे हिंदुस्तान में जीरो कार्बन 2070 तक लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, मनामा बहरीन में एटीपी 80 मनामा इवेंट का पहला चैलेंजर खिताब किस भारतीय ने जीत करके इतिहास रच दिया था, है ना। तो यहाँ पे आपके सामने राजकुमार रामानाथम है, प्रजेश गुंडेश्वरम है, यूकी भामरी है, रोहन बापन्ना है, क्या होना चाहिए, बहुत बढ़िया, खींचो खींचो खींचो। जनता बोले ऐसा सही उत्तर होना चाहिए, मेरे को भी इसका सही जवाब जो लग रहा था, जो आपको लग रहा है सही जवाब है, यहाँ पे राम कुमार रामनाथम इज राइट आंसर। ये यहाँ पर थे जिन्होंने अपना पहला चैलेंजर स्तर का एकल खिताब जीत करके इतिहास रच दिया। जॉल जीबी के प्रसिद्ध प्रारंभिक व्यापार मेले का उद्घाटन किसने किया, जॉल जीबी का जो मेला लगता है इसका उद्घाटन किस देश के मुख्यमंत्री ने किया है, यूपी, उत्तराखंड, बिहार या हमारा पंजाब। जॉल जीबी का मेला कहां पर लगता है, मेला जरूर पूछा जाएगा मेला आपसे। यहाँ पे अंता बोली है सर सही उत्तर होना चाहिए, एक बार वीडियो को जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है अंतिम चरण में पहुंच गए हैं, लाइक वीडियो को लाइक जरूर ठोक दीजिएगा। तो सही जवाब है यहाँ पर उत्तराखंड में जौल जीबी का मेला, और इसकी शुरुआत की थी हमारे पुष्कर सिंह धामी जी ने। तो पुष्कर सिंह धामी कौन है बेटा, यहाँ के हमारे सीएम साहब। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, हाइपरसोनिक सिरकॉन मिसाइल का परीक्षण सबसे पहली बार किसने किया है, हाइपरसोनिक सिरकॉन मिसाइल वॉज लॉन्च बाई विच कंट्री, अमेरिका है, चाइना है, इंडिया है, रसिया है। भाई साहब परीक्षण किया, अब प्रैक्टिकल भी भाई साहब ये कर रहा है, समझ रहे हो राजपाल, इन्होंने जो है अभी परीक्षण किया था, अब ये प्रैक्टिकल कर रहा है, दना दन जो है सिरकान मिसाइल का प्रयोग कर रहा है। अब मैंने इससे ज्यादा हिंट नहीं दे सकते हैं ठाकुर साहब, इससे ज्यादा हिंट हम दे ही नहीं सकते हैं। यहां पर ठाकुर साहब बोले सर रसिया होना चाहिए, भाई ठाकुर साहब जब रसिया बोल रहे हैं तो रसिया कर दो भाई, ठीक। यहाँ पे रसिया इज राइट आंसर, प्रियंका ने बोला सर तो याद रहेगा। अच्छा एक बताइए, मलेरिया डेंगू जो मच्छरों से फैलने वाली बीमारी है, इसके लिए कौन सा हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काम कर रहा है, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ग्रेटा, ग्रेटर विशाखापटना है, चित्तौर है या अनंतपुर है, बहुत बढ़िया, ठोको, खींचो खींचो खींचो, 5 मिनट और बाकी है भाई साहब, खींचो। तो श्लोक बोला है सर यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए, सर मलेरिया जो है सबसे जानते हो कहाँ पर आपको देखने मिलेगा, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मलेरिया डेंगू। मलेरिया किससे फैलता है बेटा, ये हमारा फैलता है फीमेल एनाफिलीज, बोलो ध्यान सुन लो, फीमेल एनाफिलीज, मच्छर से नहीं, मच्छर की वाइब से फैलता है, समझ रहे हो कि नहीं। अब पता कर लेना कौन मच्छर है, उसी को उसको छोड़ देना, और जो फीमेल वाली ना उसी को पकड़ के मारना। और डेंगू को फैलाता है कौन, दैट इज नोन एज एंडीज एजिप्टिस मॉस्किटो, जिसको हम लोग टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं। अब इसमें कोई भेदभाव नहीं, यहाँ पर जेंडर इक्वलिटी नहीं लेना है, यहाँ पर जेंडर इक्वलिटी को आपको फॉलो करना है, यहाँ पर सिर्फ फीमेल को, समझ रहे हो कि नहीं, हाँ ध्यान रखना। तो जीका वायरस भी यही फैलाता है, बहुत बढ़िया, जीका वायरस भी यही फैलाता है, फीमेल कैसे पता चलेगा। तो भाई ध्यान रखना, जो थोड़ा सा लेट से आए मच्छर जो होंगे वो शाम के 6 बजे से लगना शुरू होते हैं, जो फीमेल एनाफिलीज होती है वो रात में 9 बजे से मेकअप वेकअप करके आती है, वो आपकी फीमेल होंगी, समझ लो कि नहीं। चलिए आगे तो चलते हैं, हाँ एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ नाटक सीरीज किसको मिला, बेस्ट ड्रामा सीरीज किसको मिला हुआ है, तो द क्राउन है, वेकिंग हेड है, विस्पर्स है या द विडो है, बेस्ट ड्रामा सीरीज 2021 का अवार्ड किसने जीता है, वाइफ ही ओनली, अच्छा बहुत बढ़िया बेटा। आगे देखते हैं सही जवाब क्या होना चाहिए, द क्राउन को बेस्ट ड्रामा सीरीज मिला हुआ है, और बेस्ट जो हमारे एक्टर है वो डेविड टेनेंट है, वो हमारे बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीते हुए हैं एमी सीरीज में। तो प्रश्न पूछा कर लेना, 2021 के ग्लोबल टीवी रिपोर्ट किसने जारी किया, अरे भाई कौन जारी करेगा बताओ, WHO है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, कौन जारी करेगा भैया बताओ।
है हिमांशु, बताइए कौन जारी करेगा? टेलीग्राम आईडी याद से दे दीजिएगा, बिल्कुल दे देंगे, समझ रहे हो कि नहीं? तुमको टेलीग्राम आईडी को अपने सर्च ऑप्शन में जाना है, वहां पे कॉपी कर लेना यहां से, और उसको वहां पे जाके पेस्ट कर देना, सही है बाबू? ठीक है बहुत बढ़िया, जनता यहाँ पे बोली है सर सही उत्तर होना चाहिए, जितने लोग बोले सर WHO होना चाहिए, WHO इज राइट आंसर, WHO राइट आंसर। द गजपति द किंग विदाउट किंगडम किताब को किसने यहाँ पर लिखा हुआ है? उड़ीसा में इसका इनॉग्रेशन हुआ था, किसने लिखा हुआ है? जल्दी चलते यार, जनता बोलेगी सर सही जवाब होना चाहिए, द गजपति द किंग विदाउट किंगडम, इस किताब को लिखने का श्रेय जाता है हमारे उड़ीसा के अशोक बल साहब को। गजपति, गज का मतलब होता है हाथी, इसमें होता है बहुत बल। 2000 मीटर की स्टेपल चेस का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? श्री शंकर मुरली है, अविनाश है, इंद्रजीत है या कालिदास है? हु इज द ब्रेक द रिकॉर्ड ऑफ स्टेपल चेस रिकॉर्ड? यहाँ पे जनता फिर से जवाब देना शुरू कर रही है, सर सही जवाब होना चाहिए यहाँ पर, अविनाश सबले इज राइट आंसर। अंतरिक्ष सप्ताह जो है वो कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हमारा जो है स्पेस वीक कब आप देखेंगे? यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, जल्दी जवाब देंगे सभी लोग। आर्मस्ट्रांग और उनके एड्रिन जब हमारे पहली बार चंद्रमा पर कदम रखे थे उस वीक को हम यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। जनता काफी कंफ्यूज दिखाई दे रही है और सही जवाब होना चाहिए हमारा कौन सा? 4 से लेकर 10 अक्टूबर तक ये हमारा सेलिब्रेट हुआ था। इस बार पोलैंड के वोकला में प्रेसिडेंट चैंपियनशिप में एयर पिस्टल में किसने रजत पदक जीता था? पोलैंड के ब्रुकला में ये प्रेसिडेंट कप हुआ था, इसमें हमारे किसने जीता था? तो आजकल भैया चाहे काहिरा में हमारा मेडल लाना हो या यहाँ पे शूटिंग में, भाई एक ही व्यक्ति मेडल ला रहा है, उत्तर प्रदेश का लड़का है ये, खतरनाक तरीके से गोली चला रहा है, समझ रहे हो कि नहीं? और इसका जो है मैंने फेसबुक पे इनका प्रोफाइल देखा था, लिखा हुआ था सिंगल है, इसीलिए काम के ऊपर फोकस कर रहे हैं और बहुत बढ़िया निशाना लगा रहा है, समझ रहे हो कि नहीं? विभा हाँ याद रखना। तो सौरभ चौधरी इज राइट आंसर, चौधरी साहब के ऊपर जितने लोग टिक किए हैं सही जवाब दे रहे हैं। हमारे यहाँ पर एटलरी जो है उसके डायरेक्टर जनरल कौन है, जिसको आप लोग तोप खाना बोलते हो हमारे हिंदुस्तान में, अगस्त 2021 में बनाए गए, क्या होना चाहिए? जनता जवाब दे रही है कि सर अभिनव कुमार है, अरुण कुमार चावला है, उदित सिंघल है, ओम प्रकाश गुप्ता जी है। जल्दी से ठोकिए भाई सभी लोग तो यहाँ पर जितने लोग बोल रहे हैं सर इसका सही उत्तर होना चाहिए, मेरे को भी लग रहा था इसका सही जवाब होना चाहिए, तरुण कुमार चावला यहाँ पर हमारे क्या, तो हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ एटलरी के बनाए गए हैं, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप टेस्ट बुक पास खरीदना चाहते हैं तो उसको परचेज करिए, जहां पर आपको मिलने वाले बहुत सारे टेस्ट, कूपन कोड लगाइए PACPASS 10% का डिस्काउंट। लेकिन MTS का बैच आ चुका है, एकदम हमारा लेटेस्ट बैच है जिसमें आप कूपन कोड लगा सकते हैं, ये वाला नहीं, आप टेस्ट बुक सेलेक्ट के किसी भी एग्जाम के लिए या किसी भी हमारे कोर्स को परचेज करने के लिए कूपन कोड लगाइए। देखिए मैं लिख देता हूँ, पंकज हमारा नाम है, PANKAJ ऐसे लिखिए, और यहाँ पर आप सी लगा दीजिए, तो पंकज सी जैसे कूपन कोड लगाएंगे आपको यहाँ पर डिस्काउंट, तो पंकज और सी बिना हमारे उसके स्पेस के, और ये आपको लगाना है किसमें? हमारे टेस्ट बुक के टेस्ट पास को लगाने के लिए, डिस्काउंट भरपूर मिलेगा, लगा करके देखिएगा और जुड़ जाइए हमारे साथ, डिटेल भी मिल जाएगी। अब बात आती है जो बच्चे हमारे साथ टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं भैया, तो क्या किया जाए भैया? आप ये वाला लिंक जो अभी आपको अभी दिखाई देने वाला है ना, ये देखिए मेरा नाम पंकज चौबे, उससे देखिए कमेंट आया, उसको कॉपी करिए यहाँ से और टेलीग्राम में जाके सर्च करिए, टेलीग्राम में जाके सर्च करिए, जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद आपको सारी क्लासेस के लिंक और PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं अपने 2:20 की मास्टर क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, सायोनारा एंड जय हिंद।